हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं। और गाइस, मेरे पास है लावा का फ़ोन है। आप किसी भी फ़ोन में वाईफाई इसी तरीके से कनेक्ट करना। सो गाइस, मैं आपको वाईफाई जो कनेक्ट करना बताऊंगी वो बिना पासवर्ड के। तो बिना पासवर्ड डाले आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, एंड सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको वाईफाई पे क्लिक कर लेना है इस तरीके से। फिर आप जब वाईफाई पे क्लिक करोगे तो और भी वाईफाई इधर शो होता है। सो गाइस, एंड आपके उसके लिए आपको दो फ़ोन की आवश्यकता होगी। तो आप दूसरा फ़ोन भी ले लेना, जैसे कि मैंने अपना फ़ोन लिया है। एंड तो गाइस, इस तरीके से वाईफाई इसको प्रेस करके रखना एंड फिर लॉक ओपन कर लेना। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है कि मेरे में वाईफाई कनेक्ट है, बाई चांस इस लावा फ़ोन में कनेक्ट नहीं है। तो इसके वाईफाई पे क्लिक करना दूसरे फ़ोन के। फिर आपको यहाँ दिख जाएगा वाईफाई QR कोड। फिर ऐसे स्कैन करना, और स्कैन करने का ऑप्शन आपको यहीं पे दिख जाएगा। ऐसे स्क्रॉल करना तो ये रहा स्कैन करने का ऑप्शन। एंड यहाँ से आप स्कैन करोगे तो आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें से इसमें आप कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब कि इस फ़ोन का इसमें कनेक्ट करना, वाईफाई को वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके वाईफाई पे क्लिक करना, ये रहा QR कोड। तो ऐसे स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, एंड एक तो ये हो गया। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि दूसरे फ़ोन का या फिर हॉटस्पॉट की मदद से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, हॉटस्पॉट का सेम ऐसे प्रोसेसर होता है। सो गाइस, जैसे कि इस फ़ोन में मैं, ये रियलमी का फ़ोन है गाइस, इसका हॉटस्पॉट ऑन करना है इस तरीके से। जब ऑन करते हो तो इधर QR कोड दिख जाएगा। तो QR कोड ऐसे स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई भी। तो इसी तरीके से लावा फ़ोन में होता है। तो गाइस, इस तरीके से आप जो है वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।